प्यार मेरा नमस्कार आदाब और सत श्री अकाल। जी हाँ, मैं हेमा देवी। आज मैं आरएससी म्यूजिक इलेवेंट से रंजीत सिंह तनेजा जी के साथ, हम दोनों सिंगर एंकर ऑर्गेनाइजर हमारे गले में भी डाल आपके बीच यहाँ पे मौजूद हुए हैं। खास डॉक्टर रमेश अग्रवाल, सेलिब्रिटी सिंगर, डायरेक्टर है सरिता गवार ट्रस्ट और रचना म्यूजिकल ग्रुप के। और आज ये हमें खास मौके पर आज हम फिर से धमाल मचाने के लिए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी आए हैं एबीवी न्यूज शास्त्री नगर में। और एबीवी स्टूडियो बहुत ही फेमस स्टूडियो है यहाँ, और नए नए बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। तो आज ये कार्यक्रम धमाल वाला जो रखा है वो धमाल कार्यक्रम रखा है कमाल खान जी। तो आज हम इस खास मौके में जो पहुँचे हैं कमाल जी के जन्मदिन पर, आज के दिन वो पैदा हुए, और हम चाहते हैं कि खुदा ईश्वर उनको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और सलामती से रखे, बड़ी बरकतें दे, खुश रहे, लंबी उम्र हो, और इसी तरह से वो नाचते गाते रहे और हमारे साथ बने रहे, रमेश डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के साथ बने रहे। और उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और पूरी टीम को दिल से यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है। तो हमारी टीम में एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और कमाल खान जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हमारी टीम में जो हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज, वो है हमारे रंजीत सिंह जी, जो मैंने पहले भी बताया एक्टर है, सिंगर, ऑर्गेनाइजर है और एंकर है बहुत बढ़िया। तो रीता मिश्रा जी हमारे साथ है डीडीएस न्यूज से, उनका हम स्वागत करते हैं। मुकेश दयाल जी हैं नव कला सुन संगम से, ऑर्गेनाइजर बहुत ही बेहतरीन एंकर भी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजेश खान जी बहुत ही बेहतरीन आवाज के मालिक है, वो सिंगर है, बहुत ही खूबसूरत आवाज, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर लकी कश्यप जी नटराज आर्ट्स और कश्यप ट्रेनिंग क्लब के डायरेक्टर हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते हैं, आगे भी 22 अगस्त प्रोग्राम करने जा रहे हैं राष्ट्र भवन में और नवम्बर के फर्स्ट वीक में कालकटोरा में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े दिल्ली के हमारे जिस तरह से नाम दिया गया है डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी ने इनको, अमिताभ बच्चन जी हैं ये दिल्ली के, एक जोरदार तालियां। पायल तोमर जी हैं हमारे साथ में, सुपर डांसर है, एक्ट्रेस है, सोनू निगम के साथ आप इनको देख सकते हैं, उनकी वीडियो से बहुत अच्छी डांसेस उन्होंने किए हैं, उनका नाम है। और तेजवास अग्रवाल जी भी हमारे बीच है, एक्टर है, सिंगर है, बहुत ही बेहतरीन, उनको आप कई जगहों पे कई एक्ट में आप देख सकते हैं। मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपके बीच में रंजीत सिंह तनेजा, सिंगर, एंकर, ऑर्गेनाइजर। आज मैं बताना चाहूंगा 4 अगस्त को एपीवी स्टूडियो हम पहुंचे हैं। आज एक खास बात है, हमारे कमाल खान जी का बर्थडे है, थोड़ा आगे आगे प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। कमाल खान जी के लिए बहुत ही अच्छे सिंगर है, बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर है। और एक खास बात यह है कि कमाल खान जी के बर्थडे पर आज किशोर कुमार जी का भी बर्थडे है, आज किशोर कुमार जी का भी बर्थडे है और कमाल खान जी का बर्थडे है, ये इत्तेफाक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी हमारे बीच में पंजाब से यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि इनविटेशन बहुत है, बहुत जगह बुलाया जाता है लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पाते। और देखे आप इतनी गर्मी के अंदर काफी दूर से पंजाब से यहाँ तक आए हो, और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जोरदार तालियों का स्वागत डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी का। और ये जो टीम जुड़ी हुई है, इनका अभी इंट्रोडक्शन हेमा जी ने आपको दिया, मैं चाहूंगा कि दो समय बिल्कुल शॉर्ट है, आप बोलते रहेंगे थोड़ा थोड़ा अग्रवाल जी के बारे में, दो शब्द के टीम का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, खास तौर से डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी जो मेरे बर्थडे पर आए हैं और मुझे बधाई दी है, मेरा हौसला बढ़ाया है। और साथ में डॉक्टर लकी कश्यप जी, चंद्रमान जी, रंजीत जी, अजय सक्सेना जी और पूरी टीम के मेम्बर जो भी यहाँ पर आए हैं, मैं इस तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहें, तकरीबन 3-4 साल से मैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी से जुड़ा हुआ हूँ और हर बार ये जब भी कोई इवेंट होता है ये ज़रूर तशरीफ लाते हैं, चाहे कितने ही बिजी हों, चाहे पंजाब से आना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये आते ज़रूर हैं मेरे घर पर। जोरदार तालियां और हौसला बढ़ाना ये इनकी फितरत में है। कोई कोई इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वो महान होता है।
वो महानता डॉक्टर रमेश्वर अग्रवाल जी के अंदर है जो मैंने देखी है, इसलिए हम दिल से सभी लोग जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के साथ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे इवेंट पे आए, मेरा हौसला बढ़ाया, थैंक यू। मुझे जाना पड़ेगा, आप जाइए। थैंक यू कमाल जी, और अभी हम कुछ देर में स्टूडियो भी एंट्री करेंगे और डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को भी सुनेंगे। और आइए हमारे बीच में अजय सक्सेना जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, दो शब्द कहेंगे। आज के प्रोग्राम में सभी का स्वागत करता हूँ, और हमारी जो टीम है डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी की, ये बड़ी खुशनसीब है। सभी कलाकार जो जुड़े हुए हैं सभी बहुत खुशनसीब हैं जो हमारे आदरणीय डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी से जुड़े हुए हैं। मैं रोज परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप आजीवन इसी तरीके से मेहनत करते रहें। यंगस्टर के दिलों में जो जोश आप भरते हैं, जो यंगस्टर को करना चाहिए वो काम आप करते हैं। इंसान को कैसे जीना है और समय को कैसे खुशहाल रखना है, ये कोई आपसे सीख गई। तो मैं कहते हैं कि जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी है, जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी है, उनका लड़कपन भी अच्छा है, उनकी जवानी भी अच्छी है। थोड़ी सी तालियां बजा दीजिए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के लिए। इसी तरीके से आप सदा बार रहे, सबके दिलों में जोश बढ़ते रहें, खुशियां बांटते रहें, दूसरों को के दुखों को दूर करते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय जी, और मैं चाहूंगा मुकेश दयाल जी एंड दिल्ली NCR के बहुत ही बेहतरीन एंकर नव कला सुख संगत से भी दो शब्द आप कहेंगे। प्रिय बंधुओं, आज हम उपस्थित हैं APV स्टूडियो, दिल्ली का जाना माना स्टूडियो, डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी की टीम के साथ कमाल खान जी के जन्मदिन पर आज उनको सेलिब्रेट करने आए हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे बीच में रंजीत सिंह तरीना जी, मेरे बड़े भाई अजय सक्सेना साहब हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हेमा जी हैं, बहुत से लोगों के नाम हेमा जी ने दे दिए, दोबारा लेकर के टाइम को थोड़ा बचाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी के पास जब आता है तो तीन चीजों के लिए आता है, पहला भाव में, दूसरा अभाव में, तीसरा प्रभाव में। अगर आपके पास भाव में आ रहा है, भाव से आ रहा है, तो उसको प्यार करना चाहिए, अभाव में आ रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, और प्रभाव में आ रहा है तो शुक्र मनाइए उस परमात्मा का, परमेश्वर का, कि उसने आपको इस लायक बनाया कि लोग आपके प्रभाव में आपके पास आ रहे हैं। बहुत बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी जैसे, जो कि जो हीरो में हीरा है उसे कोहिनूर कहते हैं, जो हीरो में हीरा है उसे कोहिनूर कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के संग रहते हैं। और चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, चांद को गुरूर है कि मेरे पास नूर है, और हम सभी संगीत प्रेमियों को यह गर्व है कि हमारे पास डॉक्टर रमेश अग्रवाल जैसा कोई नूर है। डॉक्टर लकी कश्यप जी, दिल्ली का जाना माना नाम, बेहतर नाम, बेहतर पर्सनैलिटी, क्योंकि बहुत सादा इनका लिबास है और अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हैसियत को, गहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। आप हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत हैं, आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमारे लिए सबसे उम्र में छोटे हैं डॉक्टर रमेश अग्रवाल। मैं इनकी खर्च की हुई उम्र की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बची हुई उम्र की बात कर रहा। तो परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, और आप ऐसे ही हमारे बीच में जगमग हो गए, चलते रहे और हमारे लिए प्रेरणा बनते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय कलाकार। थैंक यू मुकेश दयाल जी के लिए हमारी जोरदार तालियां, और हमारे सौभाग्य हमारे बीच में मिस्टर अमित गुप्ता जी, प्लीज एक बार आएंगे सामने। ये स्टूडेंट ऑफ लेट श्री राजू श्रीवास्तव, उनके स्टूडेंट है, लाफ्टर मिमिक्री आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई, हमारे बीच में आए, मैंने जोरदार तालियां। दो शब्द कहेंगे आप डॉक्टर अग्रवाल जी के लिए।
देखिए सर, अब आप कहें सूरज के लिए कोई शब्द कहना है वो प्रकाश ही देता है, चांद के लिए कोई शब्द कहना है वो शीतलता ही देता है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि मुझे वो वाक्य याद आते हैं कि जिनके सपने घर वालों ने पूरे नहीं होने दिए, जो अपने सपनों को लेकर निकले घर वालों ने पूरे नहीं होने दिए और उनको मार्केट में चीट किया गया कि हम आपको एक मौका मंच पे देंगे, पैसे दीजिए। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने दिया या नहीं दिया, लेकिन जब जहां मेरी दृष्टि जाती है पूरे संसार के अंदर, रमेश अग्रवाल जी मुझे इकलौते शख्स वो नजर आए जिन्होंने अपने घर को फूट कर लोगों को मंच दिए, लोगों की आंखों में खुशी के आंसू दिए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, अपने मिमिक्री आर्टिस्ट एसोसिएशन मुंबई की तरफ से भी, अपने एंटायर म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से भी, इनका रचना म्यूजिकल ग्रुप, इनका ट्रस्ट और इनके सभी कार्य दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। और मैं ओपनली कह रहा हूँ इस बात को कि जब जब ये मुझे जहाँ भी बुलाएंगे, जैसे भी बुलाएंगे, मेरे से जो भी बन सकेगा मैं जरूर हाजिर रहूंगा। धन्यवाद सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। कविता जी प्लीज दो शब्द कहेंगे आप आगे आइए। जी हाँ, ये म्यूजिक टीचर भी हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी हैं। दो शब्द कहेंगे अगर आप जी के बारे में। आज हम लोग का दिन है कि हम लोग जो है कमाल खान के बर्थडे के लिए इकट्ठे हुए हैं, और रमेश जी के बारे में क्या बोलूँ, जैसे सूरज को दिया दिखाना होता है वैसे उनकी मतलब है, प्रभाव है उनका सबके ऊपर की सब तरह से वो हेल्प करते हैं। और ये जो लकी कश्यप जी, इनका तो जो है मतलब बहुत ही बढ़िया नेचर है, सादा जीवन और उच्च विचार, कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करते और बड़े बड़े शो करते हैं लेकिन पता नहीं लगता कि कैसे कर लेते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया सी हमारे बीच में लकी कश्यप जी, जो 22 अगस्त को लाजपत भवन में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग, बॉलिंग, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन, और नवंबर के फर्स्ट वीक में ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, जिसकी तैयारी चल रही है जोर शोर से, ये डेट आपको बता दी जाएगी। और डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और डॉक्टर लकी कश्यप जी, जिन्होंने लगातार लाजपत भवन में कंटिन्यूटी में कार्यक्रम किए हैं और ऐसे ऐसे कलाकारों को मौका दिया जो कभी स्टेज पर नहीं चढ़े, उन्हें चांस दिया गया, उनके अंदर टैलेंट है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ये दो हस्तियां हैं जिन्होंने नए नए कलाकारों को स्टेज पर दिया, आगे बढ़ाया है। और जब देखते हैं कि रमेश अग्रवाल जी आए तो लोग स्टेज पे अपने आप ही चढ़ जाते हैं, उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है। एक बार जोरदार ताली इन हस्तियों के लिए। दो शब्द लकी कश्यप जी गाएंगे। हमारे आदरणीय रमेश अग्रवाल जी, जिन्होंने जब से मेरे साथ जुड़े हैं कोचिंग साहब से, मेरे अंदर काफ़ी उम्र आ गई है और हमेशा ये साथ हैं और अच्छे अच्छे इवेंट्स करते हैं। अब वो समय आ गया है कि भीड़ में अलग दिखाई दे, इवेंट अब बहुत सारे हुए तो हमारे क्लब ने फैसला किया है कि बड़े इवेंट्स हैं ताल कटोरा स्टेडियम जैसे में, और साल में 3 इवेंट चार चार महीने के, ताकि अगर 10 जगह इवेंट हो रहे हो तो एक नजर बड़े पे पड़े कि नहीं वो हो रहा है ताल कटोरा और रमेश जी का अलग कीजिए वहां जा रहा है, मुझे छुट्टी नहीं है, छुट्टी कर लेंगे कोई बात नहीं, छुट्टी कर ले और उस दिन जाना है। और पहली बार वहां स्टेडियम के अंदर ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और सेमिनार होगा, बहुत बड़ा जितनी व्यवस्था में हुआ सवेरे 10 से लेकर 5 तक, उसके बाद सिंगिंग 6 से लेकर 8 के बाद फैशन, लेकिन सिंगिंग स्टार्ट होते ही कम से कम 2 गाने जबरदस्त, सबसे पहले सिंगिंग स्टार्ट हमारे अग्रवाल जी के होंगे। कार्यक्रम करना वाकई बहुत मुश्किल है, हर इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाता, और खासतौर पे डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी जिनके साथ जुड़े हैं और उनका जो प्रेरणा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो बेफिक्र होना चाहिए ऑर्गेनाइजर को कि बिल्कुल साथ खड़े हैं तो जरूर अपना वादा जरूर निभाते हैं वो। एक बार जोरदार तालियां लकी कश्यप जी के लिए। और आइए मेघना जी, बहुत शुक्रिया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघना, और मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि रमेश अग्रवाल जी सर
बहुत अच्छे हैं और इनका जो सपोर्ट है काफी लोगों के लिए, काफी बच्चों के लिए एक मिसाल रहा है और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा जो शख्स की मैं बात करूँ वो है लक्की सर, इन्होंने मेरे को भी काफी आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। सो मैं दोनों ही सर को फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू। फाइल तो वही दो शब्द अभी नहीं सुनो तक है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज फायर कमल और आज हम एबीडी स्टूडियो में आए हुए हैं मिस्टर कमल खान जी के बर्थडे में और अग्रवाल जी की पूरी टीम आई हुई है, सभी को और मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक्स जो दिल से मैं करना चाहूंगी लक्की सर को बोलूंगी क्योंकि जो भी मैं हूँ आज इनकी वजह से हूँ। यही मेरे को सबसे पहले इन्होंने ही मेरे को सपोर्ट करा था, यही मेरे को सोलह टाइम में लेके गए थे। तो जो भी है हूँ मैं आज लक्की सर की वजह से ही हूँ। शायद अगर लक्की सर उस टाइम मुझे सपोर्ट ना करते आज इतनी मेरी जो पहचान जो नाम है वो लक्की सर की वजह से है। तो स्पेशल थैंक्स फॉर लक्की सर एंड रमेश जी जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आज चंद्रमा जी भी दो शब्द कहेंगे। हमारे आन पान शान जो हमारे साथ जुड़े हैं जिनके दिन हम अधूरे हैं, सीनियर एडिटर डॉक्टर चंद्रमा जी आपके शेर के दिन हम अधूरे हैं, फिर आप एक बढ़िया से शेर सुनाएंगे साथ। अपने से छोटों को प्यार करते हैं, अपने से छोटों को प्यार करते हैं, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं, वहाँ जी इंसानियत दी है धर्म अपना तहे दिल से आप सबका सत्कार करते हैं। तो आज हम सभी शास्त्री नगर के एबीपीओ स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं जहाँ तराने मस्ताने के डायरेक्टर फिल्म एक्टर ऑर्गेनाइजर कमाल अहमद जी का बर्थडे है और सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली के संगीत के महान हस्तियां पहुंच हुई है जिसमें हमारे सरिता अग्रवाल ट्रस्ट और रचना म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, नटराज आर्ट्स ग्रुप के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर लक्की कश्यप जी, दिल्ली म्यूजिक क्लब के ऑर्गेनाइजर एमएस कबीर जी और आरएसडी म्यूजिकल ग्रुप के ऑर्गेनाइजर रंजीत सिंह तनेजा जी, हेमा डेविड जी, सोनू टिप के मशहूर डांसर पायल तोमर जी, मशहूर एक्ट्रेस गगना जी और सुरसंग मंच के हमारे पवित्रा पाटके जी, सकुरपुर के प्रधान अरविंद जी और हमारे दिल्ली के मशहूर एंकर ग्रेट पर्सनालिटी अमित गुप्ता जी, मुकेश दयाल जी, अजय सक्सेना जी और राजेश खान जी जो कि गोविंदा के साथ में काम कर चुके हैं, ये सारी लोग इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों कमाल खान जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि सितारों के जहां में आपका नाम हो कमाल जी, सितारों के जहां में आपका नाम हो कमाल जी, इस धरती पर आपका नाम हो कमाल जी, इस आज के जन्मदिन पर आपको ये बधाई देता हूं कि आप जिंदगी में कुछ ऐसा करें कि हम सबको अभिमान हो कमाल जी। थैंक यू। थैंक यू चंद्रमा जी। जिंदा है दिल्ली के अंदर 50 साल के बाद रिकॉर्ड तो बारिश हुई मगर एक बारी 50 साल में, मगर जहाँ तक मैं माननीय डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को जानता हूँ 20 साल से भी ज्यादा, प्रूफ प्रमाण के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 20 साल से रमेश अग्रवाल जी को निरंतर अपने स्नेह और प्यार की वर्षा दिल्ली के अंदर करता हुआ देख रहा हूँ। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे रमेश अग्रवाल जी के लिए, बहुत बड़ी बात है। 20 साल से भी ज्यादा इनको हो रहे हैं, सबकी हेल्प करते हैं और ये इतना बड़ा जल सैलाब देख रहे हैं आप, अपनी कैमरामैन से कहूंगा पूरा जल सैलाब, ये छोटा सा है ये देखिए, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, अलग अलग धर्मों से
साथ रखते हैं। और ये देखिए हमारे रमेश अग्रवाल जी का प्यार, इसने रिकॉर्ड तोड़ प्यार, और इसने निरंतर दिल्ली में बरस रहा है। मैं आपका टाइगर छोटा सा ऑर्गेनाइजर, जय हिंद भारत माता की जय। कर चुके हैं बॉम्बे से दिल्ली तक का सफर ब्रजेश खान जी, बहुत ही बेहतरीन सिंगर। आइए दो शुरू करें। मुझे आज सबसे पहले बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बार फिर मुझे यहाँ मौका मिला है इस इवेंट में शरीक होने का। और सबसे पहले मैं कमाल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कमाल खान जी का आज जन्मदिन है, तो मैं आप उनको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई देना चाहूँगा। दूसरा, मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूँगा कि यूँ तो हर दिल से फिदा होता है, यूँ तो हर दिल पे फिदा होता है, प्यार का दौर मगर सबसे जुदा होता है। यूँ तो गिरते को गिराते हैं सभी, मगर जो गिरते को उठाए वो खुदा होता है। और रीता मिश्रा जी प्लीज इधर आएंगे। मुकेश अग्रवाल जी तो आज ये सभी कलाकारों को बहुत ही सपोर्ट करते हैं, काफी दिनों से मैं इन्हें जानती हूँ। और सभी लोग आज यहाँ पे मौजूद है रचना म्यूजिकल ग्रुप की टीम की, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या ना, एक बार फिर से रमेश अग्रवाल जी और नक्की कश्यप जी दिल्ली का स्वागत है, जो की पंजाब से आ रहे हैं। आप यहाँ कमाल खान जी को दुआएं आशीर्वाद देने आए, और पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूँ यहाँ ए टी वी स्टूडियो में। और ये न्यूज़ आप पी न्यूज़ पे भी देखेंगे जो कवरेज यहाँ की हुई है। और हमेशा इसी तरीके से आप अपना प्यार कलाकारों को और हमें उन सबको देते रहें। धन्यवाद रमेश अग्रवाल जी का, धन्यवाद करूँगा। बेशक ये पंजाब से आते हैं और सभी प्रोग्रामों में नहीं आ पाते, लेकिन जहाँ नहीं आ पाते वहाँ पर पैसों का अनुदान देना नहीं भूलते। लोग अपनी परछाई से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ परछाई जो साहब की है वो भी कहती है मेरे पे अगर आप लाठी बरसाओगे उसमें से भी फूल जड़ेंगे, मेरी तरफ से कोई बदुआ नहीं मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ में मेरे जितने साथी गण हैं, सबसे पहले कमाल खान जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने हमें बुलाया एपीपी स्टूडियो में, मैं पहली बार ही आया हूँ क्योंकि कई बार उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, तो मैं उनको विशेष मतलब प्रणाम करता हूँ। बाकी जो मेरे दिल के खास करीब हैं, डॉक्टर लकी कश्यप जी, जो कि दिल्ली के, मैंने आगे भी जिक्र किया है, अमिताभ बच्चन, कोई भी बॉम्बे में भी किसी को स्टूडियो में या पिक्चरों में कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, लेकिन ये हर आदमी को बड़े नर्मता से प्यार से बुला के बात करते हैं, चाहे ऑडियंस कैसी भी हो या कोई विकलांग बच्चे हो, उनको सबको प्लेटफॉर्म देते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 22 अगस्त को ये प्रोग्राम राजपथ भवन में करने जा रहे हैं, फिर नवंबर में ताजपुरा में करेंगे। तो ये प्रोग्राम लगातार परमात्मा इनको सेहत दे और तरक्की दे। बाकी हमारे साथ बॉम्बे से डॉक्टर अमित गुप्ता जी एंकर, जो कि हमारे साथ हैं, और उसके बाद में एंकर त्रेजा जी, हिमा जी हमारे साथ में, सबके नाम हो चुके हैं। लेकिन सक्सेना साहब जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर एक्टर रहे हैं और आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मुकेश त्याल जी का तो कहना ही क्या है, ये तो सब दुनिया के अपने आप में ही एक सूरज वाली बात है, तो हम किसी के बारे में। बाकी मेघना जी, पायल जी, राजेश खान जी, डॉक्टर चंद्र भान जी, डॉक्टर आरती गुप्ता जी, डॉक्टर कबीर जी, और ये सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं तू मेरा दिल है, तू मेरा दिल है, मैं तेरी जान हूं, कैसे कह दूं कि तेरी चाहत ने मुझे बर्बाद किया, लेकिन मैं तुझे भूल गया, आपने मुझे याद किया, आप होने के कारण ही मैं जिंदा हूं, ये भी अपनी उम्र काट रहा हूं, और आपके ब्लेसिंग से ही मैं खड़ा हूं। आप सबका पुनित्रा जी जो कि महान मतलब टीचर रही हैं और सरगम कला मंच की बहुत बड़ी ख्याति है,
हेमा जी मतलब तनेजा साहब रंजीत जी तेजपाल जी कुरकुरे वाले इन सबका, बाकी डीडी न्यूज से नदीम जी, डीडी न्यूज से रीटा मिश्रा जी जिसका नाम मैं नहीं भूल गया, तुलसी जी आए हुए हैं, शकुरपुर के प्रधान मेरे साथ आए हुए हैं, बाकी और कई महान हस्तियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाकी कमल खान जी को बहुत बहुत बधाई, बाकी ये तो आइए स्टूडियो में शास्त्री नगर का पहले और आइए डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और पूरी टीम जितेंद्र और श्रीदेवी आंखों के सामने अब हमारे भी डॉक्टर रमेश अग्रवाल तशरीफ ले आए पूरी टीम के साथ। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के लिए। डॉक्टर रमेश अग्रवाल को कौन नहीं जानता, दिल्ली की जानी मानी शख्सियत है, संगीत प्रेमी है और सबसे गाते भी हैं, डांस भी करते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हर संगीत प्रेमी इनको जानता है, पहचानता है और इनका नाम लेवा है कि हाँ डॉक्टर रमेश अग्रवाल कोई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली क्या पंजाब क्या बल्कि अब तो पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम हो रहा है, जानी मानी हस्ती है सर, इनके लिए एक बार जोरदार जोरदार डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी के लिए। वाह, एक सेकंड, ट्रस्ट एंड रचना म्यूजिक ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी एक बार स्टेज पर आए और डॉक्टर विनोद अनंत बाबूकर जी आप भी स्टेज पर आए और बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम होने जा रहा है नवंबर में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर लक्की कश्यप जी कार्यक्रम करने जा रहे हैं और डॉक्टर बाबूकर जी भी एक धमाल करने जा रहे हैं। ऑडिशन जारी है अभी बहुत ही जल्द और जल्दी आपको वो डेट भी बता दी जाएगी। कल ऑडिशन है जी हाँ, यहीं पर एपीवी में यहीं पर ऑडिशन है कल। और महान जो आए हुए हैं कमाल खान जी के जन्मदिन पे, हैप्पी बर्थडे कमाल साहब आपके लिए, परमात्मा आपको खूब तरक्की दे, सेहत दे और जितने भी संगी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहली बात मैं आपकी वेब सीरीज की बात करूंगा जो शिवा दादू जी ने शुरू की है आपके साथ और इसको पूरा करने जा रही हैं, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मतलब ये बहुत ही नेक और सच्चे इंसान हैं और इन्होंने कलाकारों को बहुत आगे बढ़ाया है। इनके यहाँ मैं भी रामा बिहार में जो कि इन्होंने पूरा स्टूडियो बना रखा है, हर कलाकार को मान सम्मान देते हैं, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपकी ये सीरीज खूब आगे बढ़े और आगे पिक्चर करना हो, मैं आपको इस बात के लिए वो बधाई देता हूँ। आवाजें खलकत नकारा खुदा होती 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 है, मालिक है आप, कहते हैं सितारों तुम उनसे जाकर कह देना, सितारों तुम उनसे जाकर कह देना, कोई रो रहा है तुम्हें याद करके, मैं बर्बाद होना गवारा करूंगा अगर आप खुश हैं मुझको बर्बाद करके। खेल जब वो हमारे पास, तो उन्हें हम मना ना सके, चल दिए जब वो रूठ के तो रूठे को मनाने की याद आई। पाप सागर के बैठ इतनी महफिल के बीच में बैठ, मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं, आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं जिंदा हूं। पास सागर के बैठ तो हमें पीना भूला ही रहा, लौटे जब किनारे से तो प्यास बुझाने की याद आई। इन्होंने औरत के बारे में बोला, बहुत अच्छी बात है, दो शब्द ये हैं। कमाल जी आपने हमें टाइम दिया, मैं एपीबी इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, अग्रवाल जी का, गौरव जी का, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ,
तो कई बार इन्होंने बेचारों ने बुलाया मेरे को, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण। कहते वो औरत है जिसने जहां को बनाया, वो औरत है जिसने जहां को बनाया, वो औरत है जिसने गिरोह को उठाया, मगर बेबसी से वो खुद रो रही है कि दामन को अश्कों से मैद हो रही है। माँ है, माँ है मगर इसकी कीमत लगाई, बहन है मैं कोठों पे बिकने को आई। गजब है कि मर्दों का दावा, गजब है फिर भी मर्दों का दावा कि पति है उसके वो है उसके भाई। बंजर जमीन पे जहां कुछ पैदा होने वाला नहीं, बंजर जमीन पे वो गुल बो रही है कि दामन को अश्कों से मैद हो रही है। तो इनकी वेब सीरीज के लिए मैंने दो शब्द बोले हैं, तो आपको खूब मैं आपका मानता करना चाहूंगा। La 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 निकलती है ऐसे इंसान के लिए, दिल से दुआ निकलती है जो दूसरों अपने
अपना ख्याल ना करते हुए दूसरों का ख्याल करता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसा इंसान बर्थडे पे आए तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हेलो, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन लोगों ने छुआ है आसमान, पधारे हैं इस महफिल में वो सब मेहमान, करता हूँ सभी को आदर पूर्वक प्रणाम। और इसी के साथ मैं कमाल अहमद जी को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहते हैं कि लम्हे लम्हे वक्त गुजर जाएगा, लम्हे लम्हे वक्त गुजर जाएगा, अभी कुछ ही देर में कमाल साहब आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाएगा, अभी ही आपको हैप्पी बर्थडे बोल दूं, वरना बाद में बाजी कोई और मार देगा। हैप्पी बर्थडे कमाल साहब। हैप्पी बर्थडे कमाल साहब। थैंक यू चंद्रमान जी, थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू आप जी। Thank you.
We have to open up the